चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम्स में रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट में चलिए देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट में बोला यहाँ पे प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट। तो हमको सबसे पहले टोटल कॉस्ट दिखाना है प्लस में प्रॉफिट एट 30% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। तो हम लोग को 30% कैपेसिटी पे प्लस में 100% कैपेसिटी लेवल पे हम लोग को क्या बताना है, तो हम लोग को कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट बता दिखाना है। अब देखिए सबसे में आगे क्या देखा हुआ इन्फॉर्मेशन, बट उससे पहले एक बार चेक कर लूँ। चलिए इसमें इन्फॉर्मेशन में क्या बोला कि ए लिमिटेड कंपनी हैज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एवरी मंथ। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटी कितना है, तो यहाँ पे कितने यूनिट का कैपेसिटी है इस एक कंपनी का, तो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने का यहाँ पे कैपेसिटी दे रखा हुआ है। फिर इट्स वर्क कॉस्ट एट वेरिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। तो हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी पे जितना लेवल पे यहाँ पे क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उस लेवल पे इसका वर्क कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है। वर्क कॉस्ट हम कैसे निकालते थे हम लोग, तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालते थे। प्राइम कॉस्ट कैसे, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें हम लोग क्या करते थे, लेबर कॉस्ट को ऐड करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते थे, हम लोग के पास प्राइम कॉस्ट आता था। प्राइम कॉस्ट में हम लोग वर्क ओवरहेड को ऐड करते थे, तो हम लोग के पास क्या आता था, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, उसमें डब्ल्यू आई पे एडजस्टमेंट करते, तो हम लोग के पास आ जाता था वर्क कॉस्ट। और यही वर्क कॉस्ट हम लोग के पास हमें दे रखा हुआ है डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर कैपेसिटी 10% का दे रखा हुआ है, इस पर अलग है। फिर 20% यहाँ पे, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, उसके बाद 100% कैपेसिटी पे हम लोग के पास वर्क कॉस्ट दे रखा हुआ है। बट हम लोग को चाहिए क्या, तो हम लोग को 30% कैपेसिटी पे चाहिए, बिकॉज 30% में निकालना था और एक चीज निकालना था हम लोग के पास 100% कैपेसिटी पे। तो ये दोनों ही कैपेसिटी लेवल पे हम लोग को निकालना था, तो ये दोनों हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे सबसे क्या दे रखा हुआ है, इट्स फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 1,50,000 एंड फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 2,50,000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी है और यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंस भी सम्स में दे रखा हुआ है। फिर द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अमाउंटिंग टू 2,30 रुपीज़ पर यूनिट। हम लोग के पास वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी दे रखा हुआ है। आगे सम्स में इट कैन सेल 100% ऑफ इट्स आउटपुट। तो यहाँ पे 100% जितना भी आउटपुट यहाँ प्रोड्यूस किया उतना सेल कर सकती है कंपनी एट ₹500 पर यूनिट, प्रोवाइडेड इट इनकर द फॉलोइंग फर्दर एक्सपेंडिचर। तो देखिए, एक तो हम लोग के पास 30% कैपेसिटी में निकालना था, एक हम लोग के पास 100% कैपेसिटी पे कॉस्ट निकालना है, प्लस में उसका प्रॉफिट भी निकालना है। जब 100% यूनिट पे होगा उस टाइम में कंपनी सेल कर सकती है, जिस टाइम में इसका सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 100% कैपेसिटी में सेलिंग प्राइस कितना बोला, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना बोला कि ₹500 होगा। और ये सारी के सारे यहाँ पे सेल कर देगा, अगर ये एक्सपेंस ए से लेकर के डी तक एक्सपेंस इनकर करेगा तो उस इस एक्सपेंस में क्या बोला, तो इट गिव्स गिफ्ट आइटम कॉस्टिंग ऑफ 30 पर यूनिट ऑफ अ सेल। तो जो भी आइटम सेल करेगा उस पर 30 रुपीज़ का गिफ्ट यहाँ पे कंपनी देगी। एंड सेकेंड वाले में पॉइंट में क्या बोला, इट हैज़ लकी ड्रॉ एवरी मंथ गिविंग फर्स्ट प्राइज ऑफ 50,000, सेकेंड प्राइज ऑफ 25,000 और थर्ड प्राइज में कहता बोला तो 10,000 एंड 3 कॉन्सोलेशन प्राइजेस ऑफ ₹5,000 ईच टू कस्टमर बाइंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट प्राइज होगा, सेकेंड प्राइज होगा, थर्ड प्राइज होगा और उसके बाद 3 प्राइज और भी दिया जाएगा जिसका वर्थ कितना होगा, तो यहाँ पे वर्थ हो जाएगा 5,000। तो ये भी देखना होगा, देखिए सबसे पहले गिफ्ट देना होगा 30 रुपीज़ करके, उसके बाद इसे प्राइज देना होगा, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज में यहाँ पे 3 प्राइज होगा जो 5,000 ईच करके होने वाला है। उसके बाद सी वाले पॉइंट में क्या बोला, तो सी वाले में बोला इट स्पेंड ₹1,00,000 ऑन रिप्लेसमेंट सर्व फॉर एवरी मंथ टू इट्स कस्टमर। तो यहाँ पे 1 लाख का यहाँ पे देना होगा, पैकेज भी देना होगा किसके लिए, यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए। उसके बाद डीप वाले पॉइंट में क्या बोला, तो इट स्पॉन्सर्ड अ टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख पर मंथ। तो यहाँ पे टेलीविजन में इसे एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा जो कितने का होगा, तो ये होगा 20 लाख का। इसके बाद क्या बोला, इट कैन मार्केट 30% ऑफ आउटपुट 5,50,000। तो जो भी हम लोग का 30% कैपेसिटी पे था उस पर यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो कितना में सेल कर पाएगी कंपनी, तो यहाँ पे 550 में सेल कर पाएगी पर यूनिट विदाउट इनकर एनी ऑफ द एक्सपेंस रेफर्ड इन ए टू डी। तो यहाँ पे ए से लेकर के डी तक में यहाँ पे एक्सपेंस करने का कोई जरूरत नहीं है जब यहाँ पे 30% ही बेचेगी कंपनी, तो जिसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा 550, बट 100% कैपेसिटी पे जब भी बेचेगी तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइस देना होगा कितना, तो 30 पर यूनिट करके, उसके बाद सेकंड प्राइस में यहाँ पे बहुत सारा गिफ्ट देना, लकी ड्रॉ देना होगा, उसके बाद रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी कंपनी को करना पड़ेगा। तो ये हो गया, आगे हम लोग के पास तो सम्स में यही रखा हुआ है और बाकी तो हम लोग के पास जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है ये दोनों ही के लिए लगेगा, प्लस में हम लोग के पास जो भी दे रखा हुआ है किसका, मार्केटिंग एक्सपेंस, ये दोनों को ले लगेगा और उसके बाद वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो भी दोनों के लिए ही लगने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्या, तो कॉस्ट शीट बनाएंगे, तो आ जाइए कॉपी में आ जाते हैं कॉस्ट शीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर
इसमें दो कैपेसिटी का लेवल था, एक सबसे पहला जो था वो कितना परसेंट वाला, 30% कैपेसिटी था, एंड जो हम लोग के पास सेकेंड वाला जो दे रखा हुआ है वो कितना परसेंट पे दे रखा हुआ, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 100% पे। और कंपनी का जो 100% का जब कैपेसिटी होता था तो उस टाइम में कंपनी कितना सेल कर पा रहा है, कितना यूनिट प्रोड्यूस करती थी, तो 1 लाख का। तो ये 100% टाइम में यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख यूनिट, और ये 30% के टाइम में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें एक हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और एक हम लोग टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकालने वाले हैं। इसी तरह से इसमें भी हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और एक हम लोग निकालेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट। तो ये हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो हम लोग के पास वर्क कॉस्ट डायरेक्ट दे रखा हुआ है, तो चलिए हम लोग वर्क कॉस्ट से लिखते हैं। तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट जिसमें पर यूनिट वर्क कॉस्ट में 30% कैपेसिटी में कितना दे रखा हुआ, तो ये हम लोग दे रखा है 380। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा 380 का, और जो हम लोग के पास 100% कैपेसिटी है उस पर कितना दे रखा, तो ये हम लोग का दे रखा है 310। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 310। अब नंबर ऑफ यूनिट है तो उससे हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और टोटल कॉस्ट हमेशा रुपीज़ में होगा अभी। तो 30,000 यूनिट है और एक के लिए कॉस्ट था 380, तो हम लोग के पास 30,000 के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1 करोड़ 14 लाख। 1 करोड़ 14 लाख का हम लोग का पास कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले केस में हम लोग के पास आ जाएगा into 1 लाख, तो हम लोग के पास आ गया 3 करोड़ एंड 10 लाख। 3 करोड़ एंड 10 लाख का यहाँ पे कॉस्ट, सॉरी ये जो है वर्क कॉस्ट ये आने वाला है। ये हम लोग के पास वर्क कॉस्ट हो गया। अब वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में, तो वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग के पास ना WIP दे रखा हुआ है, तो ना WIP है प्लस में ना पैकेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब कुछ भी कॉस्ट नहीं है। तो जब भी हम लोग के पास ये सब कॉस्ट नहीं है, तो हम लोग के पास ये जो वर्क कॉस्ट होगा वही हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स भी नहीं दे रखा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा या कॉस्ट जो भी होगा वो हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे दे रखा हुआ 1,50,000 दे रखा हुआ जो फिक्स्ड, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास जो फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस है जो 2,40,000 का, एंड उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है जो कितना का 30 का। बस इस सबको हम लोग को कंसिडर यहाँ पे करनी है, तो चलिए कंसिडर करते हैं। इसमें यहाँ पे करेंगे ऐड फिक्स्ड, ऐड में हम लोग का सबसे पहले जो है वो है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो यहाँ पे फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंस जो कितना है फिक्स एडमिन एक्सपेंस, तो यहाँ पे 1,50,000, तो ये जो है टोटल कॉस्ट में ही आ जाएगा 1,50,000, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 1,50,000। और इसमें जब हम लोग यहाँ पे जितना यूनिट दे रखा हो उससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास पर यूनिट का भी कॉस्ट आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग का आ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट कितना, तो 1,50,000 डिवाइड बाय हम लोग 30,000 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 5। और इस केस में हम लोग के पास आ जाएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 का हम लोग के पास फिक्स एडमिन कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एड फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस जो कितने का दे रखा हुआ, तो हम लोग को फिक्स्ड मार्केटिंग एक्सपेंस 2,50,000, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2,50,000, और यहाँ भी आ जाएगा 2,50,000, और इसमें डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चलिए डिवाइड करते हैं, 2,50,000 डिवाइड बाय 30,000, तो हम लोग के पास आ गया 8.33। एंड नेक्स्ट वाले केस में आ जाएगा 2,50,000, तो ये तो हम लोग के पास पता ही है 2.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है जो 30% है, यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो 30% है ना, तो यहाँ पे 30 30 हो जाएगा, और नंबर ऑफ यूनिट से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 लाख का, 30,000 × 30 करके, तो ये आ गया 9 लाख, और 30 को यहाँ पे 1 लाख से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 30 लाख का। और बचा हुआ यहाँ पे हम लोग के पास अगर 100% अगर सेल होता तो उस टाइम में सेल का प्राइस हो जाएगा 500, और यहीं पे अगर 30% सेल होता तो उस टाइम में सेल का प्राइस होगा 550, और जब 100% सेल होगा तो उस टाइम में हम लोग को ए से लेकर के डी वाले पॉइंट तक हम लोग को यहाँ पे एक्सपेंस करना होगा। तो चलिए हम लोग 100% वाले कैपेसिटी में करेंगे ये वाली एक्सपेंस, तो यहाँ पे स्पेशल कॉस्ट एड स्पेशल कॉस्ट, और स्पेशल कॉस्ट में सबसे पहला पॉइंट ए था, तो ए वाले में यहाँ पे तो बोल दिया कि 30% करके गिफ्ट दिया जाएगा, तो यहाँ पे 30, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट कितना था, तो ये नंबर ऑफ यूनिट था 1 लाख, तो 1 लाख × 30 कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 30 लाख का।
तो पहला निकाले में तो आप लोग कुछ भी कॉस्ट प्रॉब्लम नहीं था, जो हम लोग के पास था गिफ्ट था। सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला था, सेकेंड पॉइंट में हम लोग को यहाँ पे लकी ड्रॉ यहाँ पे निकालना होगा जिसका प्राइज, यहाँ पे लकी ड्रॉ और इसमें प्राइज जो होगा फर्स्ट प्राइज कितना होगा 50,000, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट प्राइज में 50,000 प्लस में जो सेकेंड प्राइज है वो कितने का है 25,000 एंड थर्ड वाला कितने का 10,000, तो प्लस 25,000 प्लस 10,000 ये हम लोग के पास आ जाएगा और इसमें तो कुछ है ही नहीं वैसे। एंड जो यहाँ पे थर्ड वाले प्राइज थर्ड के बाद थ्री हाँ थर्ड के बाद जो नेक्स्ट वाले प्राइज है वो 5,000 ईच करके है, और कितना प्राइज है तो यहाँ पे तीन तीन यहाँ पे दिया जाएगा, थर्ड के बाद भी यहाँ पे तीन दिया जाएगा जिसका प्राइज होगा 5,000 ईच। तो 5,000 ईच है तो यहाँ पे 5,000 इंटू कितना हो गया 3 हो जाएगा, मतलब 15,000। ये सब को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा लकी ड्रॉ का कितना उसमें खर्च हुआ, तो यहाँ पे 5,000 पहले इंटू 3 करेंगे प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000, तो हम लोग के पास आ गया ये टोटल 1,00,000 का। और अगर इसका यूनिट कॉस्ट देखा जाएगा तो 1,00,000 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हम लोग के पास 1 आ जाएगा। फिर सी वाले पॉइंट जो है, तो सी वाले पॉइंट में क्या बोला, तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए एक्सपेंस करना पड़ रहा है 1,00,000 का, तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए कितने का यहाँ पे खर्च कॉस्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे 1,00,000 का, और इसका कॉस्ट कितना है तो यहाँ पे कॉस्ट इसका 1 है। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा हुआ, इट स्पॉन्सर्ड टेलीविजन प्रोग्राम एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,00,000, तो यहाँ पे 20,00,000 का यहाँ पे टेलीविजन का, तो ये एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा। जो कितने का था तो ये हम लोग के पास 20,00,000 का दे रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,00,000 का, और 20,00,000 में 1,00,000 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 20 का कॉस्ट। तो इसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट, मतलब टोटल कॉस्ट निकालेंगे या कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग का हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग के फर्स्ट केस में कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है 380 प्लस 5 प्लस 8.33 प्लस 30, तो ये हम लोग के पास कॉस्ट आ गया 423.33। ये हम लोग के पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। और कॉस्ट ऑफ सेल के बाद हम लोग के पास जो भी दे रखा हुआ था यहाँ सबको ऐड कर देते, यहाँ पे 1 करोड़ 14 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 9,00,000, तो ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट में कितना आ रहा है, तो 1,27,00,000, तो ये आ जाएगा 1,27,00,000 का कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है 1,27,00,000 का। फिर नेक्स्ट वाले आइटम में देखते हैं, तो नेक्स्ट वाले में हम लोग के पास कितना कितना दे रखा हुआ है, तो 3,10,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 30,00,000, उसके बाद प्लस फिर से 30,00,000 प्लस यहाँ पे 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 20,00,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3,96,00,000। ये हम लोग के पास आ गया और इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो 20 प्लस 1 प्लस 30, फिर ऊपर में कितना दे रखा हुआ, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ प्लस 30 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस 310, तो ये हम लोग के पास आ गया 396 करके। तो ये पर यूनिट कॉस्ट भी हम लोग के पास आ गया, प्लस में हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ सेल था वो भी आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग के पास सेल्स, ये जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग के पास प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और सेल्स के लिए तो हम लोग को दे रखा होना पर यूनिट कितना में सेल होगा, तो ये हम लोग के पास जो है ये आ जाएगा सेल्स, जहाँ पे सेल्स का पर यूनिट का कॉस्ट दे रखा हुआ, जब 30% कैपेसिटी था तो इस टाइम में सेल होगा 550 करके, और जब यहाँ पे कॉस्ट होगा जब कैपेसिटी होगा 100% तो उस टाइम में यहाँ पे सेल होगा 500 पर यूनिट करके, जो हम लोग के पास यहाँ दे रखा था ना 500 पर यूनिट और यहाँ पे 550, तो यही हम लोग के पास दे रखा हुआ है। अब 550 इंटू करेंगे हम लोग 30,000, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा इसका सेल्स का अमाउंट, तो ये आ जाएगा 1,65,00,000। तो ये 1,65,00,000 में से माइनस करेंगे 1,27,00,000, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 38,00,000 का प्रॉफिट इस केस में, और ये 38,00,000 का प्रॉफिट है, इसमें डिवाइड करेंगे 30,000 से हम लोग के पास, तो हम लोग के पास आ जाएगा 126.67, ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास प्रॉफिट पर यूनिट आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में करेंगे, तो नेक्स्ट वाले में करने से हम लोग के पास
जो 500 है उसमें से 396 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 100.04, और यहाँ पे 500 इंटू करेंगे तो हम लोग के पास 5 करोड़ का आ जाएगा सेल्स, और 5 करोड़ में से हम लोग 500 में से माइनस करेंगे 396, तो ये हम लोग के पास आ गया 1 करोड़ 4 लाख हम लोग के पास ये आ गया। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। जो भी बाकी का थ्योरी यहाँ पे पार्ट है वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को थ्योरी का पार्ट, ये सब थ्योरी आप लोग को खुद से करना। जैसे फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, सेकंड नंबर पे हो गया, थर्ड नंबर पे हो गया, ये सब सारे के सारे थ्योरी आप लोग को खुद से करना है। बस मैंने प्रैक्टिकल का पार्ट करवा दिया है, एक एक सम्स करवा दिया, एक एक एग्जाम्पल जो भी था, प्लस में एक एक जो हम लोग के पास था इलस्ट्रेशन, ये सारे के सारे मैंने कंप्लीट करवा दिया। एक बार चेक कर लेता हूँ, एग्जाम्पल तो छूट नहीं गया। इलस्ट्रेशन था, चलिए एग्जाम्पल कुछ था नहीं, तो जो हम लोग के पास क्या था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, प्लस में जो भी हम लोग के पास सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम इलस्ट्रेशन, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और प्लस में जो भी इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोग को बता दिया। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया कॉस्ट शीट का। अब हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वाली चैप्टर स्टार्ट करेंगे।